घड़ी महाराणा उदय सिंह जी पूरी तरह सुरक्षित हैं और अलग अलग समूहों में बंटकर उदयपुर पहुंच गए हैं। अलग अलग समूहों में बंटकर, परंतु क्यों? जिससे कि मुगल उन तक पहुंच ना पाए। ठीक है, अधिराज ने उचित कदम उठाया होगा। देखा बाबा, कितनी सावधानी और चतुराई से मैंने विस्फोट किया है। जितनी मात्रा में मैंने बारूद लगाया था, क्षति भी उतनी मात्रा में हुई है। बेटी खेतु, तुम किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हो निरंतर अभ्यास? तनिक अपने बाप को बताओगी? बाबा, मैं चाहती हूँ मेरी यह प्रतिभा शीघ्र ही चित्तौड़ और कुंवर प्रताप के काम आ सके। फिर क्या पता जल्दी मुझे ये अवसर मिल जाए। अंबा गणी, गणी कंबा, बाजीराज ने खेतु को शीघ्र ही चित्तौड़गढ़ में बुलाया है। काम बहुत ही गोपनीय और आवश्यक है। सब कुशल मंगल तो है। ये सारी बातें हम आपको चलते चलते मार्ग में बताएंगे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। चलिए, आप मुझे कुछ पल दे, मैं अपना आवश्यक सामान ले लेती। खेतु, जल्दी आ। सावधान, मेवाड़ रतन सेनापति कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है हुक्म, सब ठीक है। जैसे कि आप दोनों ने देखा ही होगा कि इस समय हम मुगलों की घेराबंदी में। हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से दुर्ग की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। मातृभूमि के लिए तो हम प्राण तक न्योछावर कर दे अपनी। उत्तम, अति उत्तम। दिखाते हैं आपको वस्तुस्थिति। अब जैसे कि आप दोनों देख पा रहे हैं, मुगलों ने ये दो सबाते तैयार की हैं। एक सीधे पदमपोल की ओर जाती है और ये दुर्ग के लखोटा द्वार तक, और अब यही सबाते दुर्ग के प्राचीर तक भी पहुंच रही हैं। और अब मुगल प्राचीर के नीचे बारूद बिछा रहे हैं। बारूद लगा रहे हैं? लगभग कितना? किले की दीवारों के पास दोनों सबातों से 3,000 शेर बारूद बिछा था। ऐसा धमाका होना चाहिए ताकि किले की दीवारें चूर चूर हो जाएं और हमारे सिपाही अंदर जा सके। इसे काका, आप पदम पोल वाली से बात करें। जी। यार बेग और चुगतई खान, आप लखोटा दरवाजे की से बात करें। हम जान की बाजी लगा देंगे, इस बार ना उम्मीद नहीं करेंगे आपको। जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। हुजूर, आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगलिया परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। अगर ये धमाका हुआ तो दुर्ग की दीवारों में दरारें आ जाएंगी और उन्हीं दरारों में से असंख्य मुगल सैनिक दुर्ग के भीतर आ जाएंगे और हमारी पराजय जो है सुनिश्चित कर देंगे। इसी भयावह स्थिति को रोकने के लिए खेतु, आपको ये धमाका रोकना पड़ेगा। पर आप ये करेंगे कैसे? बस एक ही बात हो सकती है, मैं इस बारूद के विस्फोट को सबातों की ओर मोड़ दूं, जिससे सबातों से आने वाले मुगल सिपाहियों को जला दे। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो उनके साथ नेतृत्व करने वाले मुगल सिपाही भी जल मरेंगे। बस खेतु,
यदि आपने ऐसा कर दिया तो संभवतः वो मुगल अपने घेरे को उठाकर आगरा वापस लौट जाएगा। तो मुगल अपनी सेना के इस जनसंहार को देख भविष्य में अभी सोचेगा भी नहीं यहां लौटने का। और ऐसा हमला करेंगे यून राजपूतों को मुगल फौज की ताकत का भी एहसास, ऐसा कहर बरसाएंगे कि फिर से हमारे सामने कोई खड़े होने की जरूरत न रहे। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। मैं भेष बदलकर मुगलों की छावनी में जाऊंगी और इनकी सबातों में घुसकर इन दोनों सबातों में मैं खुद करूंगी बारूदी विस्फोट और सबातों को इस प्रकार विस्फोट से उड़ाकर ही हम इनके सैनिकों का सर्वाधिक नुकसान कर पाएंगे। इसमें तो बहुत खतरा दिख रहा है खेतो, ये तो एक आत्मघाती अभियान हो जाएगा। पर हमारे सामने यही एक विकल्प बचा है। किंतु खेतु, इसमें तो तेरे प्राणों का संकट है। माना इसमें प्राणों का संकट है, पर आप घबराइए मत बाबा, कुछ नहीं होगा हमें। खेतु बेटी, मैंने तुझे बारूदों से खेलना सिखाया और आज तू मुझे सिखा रही है। क्या मैं नहीं जानता कि अगर तू वहां जाएगी तो वापस कभी नहीं आएगी? नहीं खेतु, नहीं, हम जानबूझकर आपको इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुंवर प्रताप, मातृभूमि के लिए मरने वाले कभी नहीं मरते, सदा के लिए वे अमर हो जाते हैं। और भाग्य ने मुझे जो मातृभूमि की सेवा का अवसर दिया है, मत छीने मुझसे वो, मुझे जाने दीजिए कुंवर प्रताप। खेतु, इस समस्या का कोई दूसरा उपाय भी होगा, हम सोचते हैं। आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, है ही नहीं कोई दूसरा विकल्प। और फिर निवार जैसी पवित्र धरा पे मैं क्या, मेरे जैसी लाखों खेतु अपने प्राणों का बलिदान दे सकती, और हो सकता है मैं बच के आ जाऊं। और फिर आप भी तो अकेले ही आ गए थे हमारे राजा जयमल जी को बचाने के लिए मेड़ का, वो भी तो एक प्रकार का आत्मघाती अभियान ही था। भरोसा रखिए मुझ पे कुंवर प्रताप, मैंने जो कुछ भी कहा है कर दिखाऊंगी मैं। मेरे जीते जी वो मुगल शहंशाह कभी पाँव नहीं रख पाएगा दुर्ग में। आप ही बोलिए ना कुंवर प्रताप को, अधिक समय नहीं बचा है हमारे पास। कुंवर प्रताप, ये किसी एक खेतु, किसी एक जयमल या किसी एक कुंवर प्रताप की बात नहीं, अभी तो प्रश्न है संपूर्ण मेवाड़ का, चित्तौड़ की आन का। मान जाइए ना कुंवर प्रताप। बाबा, आज तक आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है आपको उसका वास्ता, आप बोलिए ना कुंवर प्रताप को। कुंवर प्रताप, एक बाप के लिए अपनी संतान को मौत के मुंह में भेजने से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, किंतु मातृभूमि के आगे सब व्यर्थ है। अर्थ है तो सिर्फ देश की रक्षा का, एक बाप होने के नाते मैंने तो अनुमति दे दी है, अब आप भी अनुमति दे दीजिए। और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खेतु वहां से जीवित वापस आए और वो उसकी रक्षा करें। ठीक है खेतु, आप इस अभियान के लिए जा सकते हैं। कब आक्रमण करने वाले हैं वे मुगल? मुगल आज रात आक्रमण करने वाले हैं। तो मैं आज रात ही जाऊंगी मुगल खेमे में और जैसा आप चाहते हैं वैसा करके दिखाऊंगी। खेतु, आप एक बार फिर सोच लीजिए, इस अभियान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मेवाड़ और आपके लिए प्राण देने का सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है कुंवर प्रताप। खेतु, आपके साहसी योगदान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। बस एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ, बताइए ना। मुझे कुछ समय के लिए एकांत मिल सकता है?
अजब दे, जिस किसी चीज की भी आवश्यकता पड़े इन्हें दी जाए। विवाह का जोड़ा पाई पाई जोड़कर बाबा ने सिलवाया था, ये रेशम का है। बाबा की इच्छा थी कि वो मुझे एक बार इस विवाह के जोड़े में देख ले, किंतु आज के बाद उनका सपना पूरा होने का आस बच नहीं पाएगा, इसलिए सोचा कि मृत्यु को गले लगाने से पहले बार इसे पहन लो। कल्पना में ही नववधु जैसा अनुभव कर लो, मैं भी खुश, बाबा भी खुश। ठीक है, तो फिर हम स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे। हम अभी अपने गहने लेकर आते हैं। किंतु गहनों की क्या आवश्यकता है? हमने एक बार कह दिया ना तो बस। कितनी भाग्यशाली है आप, जो आपको रोज कुंवर प्रताप की सेवा का अवसर मिल जाता है। मुझे आज पहली बार अपना सर्वस्व अर्पित करने का अवसर मिला है। देखिए ना, मैं भी हो गई ना आपसे भाग्यशाली। आप प्रेम करती है ना उनसे? प्रेम और सिंदूर सबके भाग्य में कहां होता है एक साथ? गौर से सुनो सब लोग, जैसे ही धमाका होगा हम सब एक साथ तेजी के साथ किले के अंदर दाखिल होंगे और दुश्मन के खास खास मुकामों पर कब्जा कर लेंगे, जैसे कि हथियारों का जखीरा, अनाज का गोदाम वगैरह वगैरह। और अगर ऐसा करने में कुछ भी मुश्किल पेश आए तो सब कुछ जलाकर राख कर देना। समय तो हो चुका है। केतु के बाबा चाहते थे कि वे उसे एक बार इस दुल्हन के जोड़े में देखे। इतनी सुंदर लग रही है ना ये। अभियान आरंभ होने से पहले ये आपकी शुभकामनाएं लेना चाहती थी। हमारी शुभकामनाएं और एकलिंग जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेंगे। आपकी सफलता में ही मेवाड़ की सफलता है, आपकी जीत में हम सबकी जीत है। वापस आकर फिर कुछ कहना है हमें आपसे? हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे विजयी भवा।
तू आपसे मेवाड़ से बहुत अधिक प्रेम करती है। मेवाड़ से हर बाप अपनी बेटी को विवाह के जोड़े में उसके पति के घर विदा करता है और एक अभागा बाप मैं हूँ जो विवाह के जोड़े में तुझे मौत के घर विदा कर रहा हूँ। बाबा आपको तो अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, बड़ी बात तो किसी और के लिए मरने में है। आपकी दी हुई सीख से मुझे कुंवर प्रताप और मेवाड़ की सहायता करने का सौभाग्य मिला है बाबा। और देखिए देखिए कुबरानी अजबदे ने मेरा श्रृंगार स्वयं किया है। मुझे मुझे तुझ पर गर्व है। और वो काढ़ा नियम पूर्वक लेते रहिएगा, रात भर रहती है आपको खांसी। और हाँ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुंवर प्रताप बहुत ध्यान रखेंगे आपका। तू बेटी केतु 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 जल्दी हाथ चलाओ, पता है ना आज रात को ही हमला बोलना है राजपूतों पर, जल्दी करो। मुगलों की पहली योजना इसी ओर से दुर्ग में घुसने की होगी। मुख्य द्वार पादनपुर से घुसना इनके लिए अधिक कठिन है। आज रात तक भारत बिछाने का काम किसी भी कीमत पर करना है। चलो और जल्दी जल्दी और तेज काम करो। ये बाहर खड़ी बारूद से भरी गाड़ी को उड़ाने के लिए काफी है। ये एक बारूद भरी गाड़ी का विस्फोट इन सहस्त्रों मुगल सिपाहियों को मारने के लिए काफी होगा। हे इंचे, खेतों की सहायता करें इस अभियान में। हुजूर आप इस ओर लखोटा दरवाजे पर, कोई खास बात? हम मौना करने आए हैं, देखने आए हैं सब ठीक है कि नहीं, घबरा रहे हैं हम किले की दीवार। हुजूर काम थोड़ा मुश्किल और खतरनाक है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे सिपाही लगे हैं बहुत तेजी के साथ बारूद बिछाने में। हुजूर क्या है कि एक ही मौका मिलेगा,
इसलिए काम को बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ रहा है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। बस कुछ ही देर में धमाका हो जाएगा हुजूर किले की दीवार पर। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। हर हाल में हर सूरत में यह काम आज रात में खत्म होना चाहिए। जापना बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। इस मुगल को मार देने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिले। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। जापना बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। शहंशाह खुद यहाँ चलकर आए। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी मुगल। चलो सब लोग। ए, वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? आज चलाओ। ए, तुम, मैं कहता हूं रुक जाओ। रुको रुको, पकड़ो उसे। पीछे हटो। जल्दी हमारा काम पूरा भी हो गया। लेकिन ये धमाका तो हमारे सिपाहियों के पास हुआ। लगता है फिर से कोई राजपूत हमारी छावनी में घुस गया। वो जासूस पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो हमारी दूसरी संपात को उड़ा दे। पकड़ो उसे और हमारे खेमे के बाहर जाकर देखो कि पदन बोल वाली संपात सुरक्षित है या नहीं। जाओ जाओ। कहाँ है खेतु? दिखाई नहीं दे रही है। वो रही खेतु। पादन फोड़ क्यों जा रही है? हे एकलिंग जी, केतु सुरक्षित है। कुछ मुगल सैनिक उसके पीछे भी दौड़ रहे हैं। हमें पादमपुर के सभी धनों धरों को तैयार रखना होगा। चलिए उस ओर। कहाँ है खेतु? तो पादमपुर की ओर ही आ रही थी। तो वो तो सबात की ओर आ रहे हैं।
जल्दी जल्दी बारूद भरो, जल्दी करो बेवकूफों। लाल कपड़े वाला तीर, ये तो खतरे का पैगाम है। घेर लो सबात को, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। जाओ, लगता है कोई दुश्मन का घुसपैठिया आया है। कुंवर प्रताप, केतु के पीछे मुगल बंदूक छिप बंदूक लेकर चल रहे हैं। सभी धनुर्धर तैयार हो जाओ। यार देख, शहंशाह का हुक्म है कि धमाका इसी वक्त कर दिया जाए और किले की दीवार को गिरा दिया जाए। चलो, जितना ज्यादा से ज्यादा बारूद हो सकता है किले की दीवार पर पहुंचाओ। मैं भी और सैनिक बुला के लाता हूं। चलो, बारूद भी करो दीवार के पास। तीर चलाइए। और तेज खेतु, खेतु भागो। और नहीं रोक सकते, केतु को हमारी आवश्यकता है। नहीं कुंवर प्रताप, समझने की चेष्टा कीजिए, हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, केतु को हमारी आवश्यकता है। सपाट अधिक दूर नहीं है, मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना होगा। हेतु, आपके साहसी योगदान दान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। सभी दुर्ग के प्राचीर से पीछे हटिए। Thank you.
बलिदान को याद रखेंगे, याद रखेंगे। कोई नहीं बचा हुजूर, ईशा काका यार बेग सब शहीद हो गए। कम से कम हमारे 500 सिपाही और 20 बेहतरीन सिपाही सलाह सब इस हादसे में शहीद हो गए। हुजूर इस बार नाउम्मीद नहीं करेंगे आपको, जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगलिया परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। लाश किसकी है? ये लाश ईशा काका की है। रख लिया, जाओ यहां से। इस लड़की ने यह गुनाह अजीम किया है। हमें यकीन है कि वो भी जहन्नुम की आग में जाएगी। कैसा हवा का बाप हूं मैं जो जो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी को वीर गति प्राप्त हुई है। खेतु के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा राजपुताना। जब जब राजपूत वीरों की गाथा गाई जाएगी तब तब खेतु को भी स्मरण किया जाएगा। वीरांगना राजपुतानी खेतु की जय। 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 पता नहीं अब क्या करेंगे जहां पना, कौन समझाएगा उन्हें। बजा फरमा रहे हैं आप, कोई राजपूत है क्या हुआ? आप जानते हैं नहीं? ये सूरजमल जी जहां पनाह के मुअज्जिज़ दरबारी और वजीर हैं। बस यही एक वाहिद शख्स है जो संभाल सकते हमारे जहां पनाह को। जहां पना कहां है? खेमे में है। आइए। जहां पना का इकबाल बुलंद। देखा आपने क्या हाल हो गया है हमारी छावनी का? रास्ते में सुना मैं एक लड़की, एक राजपूत लड़की ने हमारी छावनी में घुसकर तबाह कर दिया। जंग की मुहिम रुक गई, हमारे इतने सिपाही मारे गए। ऐसा हाल हो गया है हमारा कि हमें कभी अपने सिपाही सलारों की काबिलियत पर शक होता है तो कभी खुद पर। हमें तो लगता है कि हमने यहां पर आके बहुत बढ़ कर दी। हमें यकीन हो गया कि हम ये जंग कभी जीत नहीं पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जान? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब उस प्रताप की वजह से, ये सब सब आज की रात रात या तो हम जंग जीतेंगे या फिर वो प्रताप हमारे साथ सामने नाक नाक या फिर हम फना हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। गुस्सा की माफ हो जहां पर, किंतु सच ये है कि हमारे सैनिकों के हौसले पूरी तरह से इस वक्त पस्त हैं। जहां तक मुझे जानकारी है हम अभी तक किले पर इतनी बड़ी दरार नहीं बना पाए जहां से ज्यादा हमारे सैनिक भीतर घुस सके। क्या करें? करे? हम इंतजार करें करे? उन राजपूतों का कि वो फिर से आए आए और आकर हमारी छावनी को तबाह कर दे। उन्होंने हमारे 20 सिपाहियों को जान से मार दिया। हम कुछ कुछ पाए इन हालातों में जहां बना
हम अपने सैनिकों को तुरंत युद्ध में कूदने की सलाह भी नहीं दे सकते। इतने बड़े हादसे के बाद हमारे सैनिकों को एकजुट होने में थोड़ा वक्त लगे। आलम्बना आप ऐसा करते किले पर हमला कम से कम सुबह तक के लिए टाल दीजिए। अगर हम उन्हें घेर कर उकता चुके हैं तो वो लोग भी युद्ध की विभीषिका से कम परेशान नहीं हो रहे होंगे। प्रताप और उसके साथी इस तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। हमें किसी भी हालत में इस बात को टटोलना है कि कहीं प्रताप और उसके साथी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार तो नहीं। ये आप क्या सोच रहे हैं जापना? क्या है ये मुमकिन? आप भी तो राजपूत हैं, क्या आप जयमल जैसे राजपूत को हमारी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर जयमल हमारी तरफ हो जाए तो प्रताप भी खुद ने टेक देगा हमारे साथ। पर सवाल ये है जापना कि कैसे हम बिना किसी शर्त के जयमल को मेड़ता का राजा बना देंगे, उसे मेड़ता का राज्य सौंप देंगे। हम यकीन दिलाएंगे उसे, वादा करेंगे उससे कि हम उसके राज्य में कभी दखल नहीं देंगे, वो वहां पर खुश रहे और बदले में वो चित्तौड़ हमें सौंप दे। हमारे लिए ये सौदा फिर भी घाटे का नहीं होगा। सवाल अब भी वही है जापन, ये कैसे किया जाए? कल शुक्रवार है और जयमल हर शुक्रवार को सुबह सुबह कुल देवी के मंदिर जाता है। हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं और जाकर समझाएं उसे कि हम उसे क्या क्या दे सकते हैं। और हमें यकीन है कि एक राजपूत दूसरे राजपूत की बात जरूर मानेगा। जी जा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। ओमें ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। राजा सूरजमल जी, आप हमारे यहाँ? विल छावनी से ये यहाँ क्यों आया है? बस वीरता के साथ साथ आपकी बुद्धि चातुर्य को भी जानता था, इसलिए आपसे मिलने चला है। आने का सिर्फ यही तो कारण नहीं है राजा सूरजमल, आप कोई संदेशा लेकर आए हैं अपने उस मुगल अकबर का। हम जानते हैं शहंशाह अकबर से आप थोड़ा रुष्ट, पर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जयमल जी के वहां दरबार में कान भरने वालों की कोई कमी नहीं है। बस ऐसे में से ही किसी एक ने अकबर के कान आपके विरुद्ध भर दिए, किसी ने अकबर को भड़का दिया आपके विरुद्ध। किंतु यह भी सत्य है कि अकबर आपकी वीरता के बहुत सम्मान करता है और इसीलिए उसने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया, वो भी छल कपट से, अन्यथा हमने अभी आपको कहा ना जाए कि थोड़ा थोड़ा गान के कच्चे हैं हम। चलिए सब भूल जाइए, विगत को पकड़कर बैठने से क्या लाभ जयमल जी, क्यों ना कुछ नया आरंभ करें इन संबंधों में। और वो आरंभ क्या है नया? अकबर मेड़ता की संप्रभुता स्वीकार करने को तैयार, वो भी बिना किसी शर्त के। वो आपके राज्य की सीमा को उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। मेड़ता के नागरिक अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका राजा कब आकर राजगद्दी पर वापस बैठे और बदले में हम कुंवर प्रताप का साथ छोड़ दें, यही ना? हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप बुद्धिमान हैं। जयमल जी, बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना।
वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकते। हमागणी कुंवर प्रताप, मुगल छावनी से कोई आया है और जयमल जी से एकांत में बात कर रहा है। मुगल छावनी से यहां पर कोई क्या बात करने आया है और हमारे जयमल जी से क्या बात करना चाहता है? अजयराज, युद्ध के इस समय में जयमल जी को हमसे अलग करने का षड्यंत्र तो नहीं है उस अकबर का? अब चिंता क्यों करते हैं रावत जी? निश्चिंत रहिए, उन मुगलों को कड़ा उत्तर देना। भली भांति जानते हैं काका जयमल जी। जो भी हो, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। क्या सोचते हैं आपको और पता? अवश्य ही ये उस मुगल की कोई बहुत बड़ी चाल है कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना। वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपको आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। हम भी राजपूत हैं राजा सूरजमल, और आप भी राजपूत हैं। अंतर केवल इतना है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। कुंवर प्रताप जैसा मित्र पाना आसान नहीं अपितु असंभव है। महानतम योद्धा, श्रेष्ठतम राष्ट्रभक्त, ऐसे मित्र को हम गंवा नहीं सकते। जयमल जी, ऐसा लगता है कि मेड़ता के नागरिकों की तनिक भी चिंता नहीं है। आप मेड़ता के नागरिकों की चिंता कदापि ना करें। और आपके ज्ञान हेतु आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि अकबर से हम अपना मेड़ता युद्ध भूमि में युद्ध जीत कर प्राप्त करेंगे, यह हमारा वचन है। ऐसा लगता है जयमल जी कि वीर गति ही आप लोगों के भविष्य में लिखी है। अब अगर कोई आत्महत्या करना चाहे तो उसमें भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं? कुछ नहीं। मुगलों की विशाल सेना के सामने ना आप टिक सकते हैं और ना ही आपका वो कुंवर प्रताप। अब आप ही बताएं कितने दिनों तक दुर्ग का दरवाजा बंद करके आप बचते रहेंगे? और अभी कुछ ही दिनों में भोजन पानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। आप और आपका वो प्रताप मुगल की सेना से पराजित ही होंगे। यदि आप दूत ना होते राजा सूरजमल जी, तो हम युद्ध के नियमों को ताक पर रख देते, परंतु ऐसा नहीं है। राजा जयमल राठौड़ अपने अतिथि का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। अब आपसे हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी राजा सूरजमल जी। आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। और हां, जाते जाते हमारी एक विशेष बात भी आप सुनते जाइए। हम भली भांति जानते हैं कि आप व्यक्ति बुरे नहीं, हां संगत बुरी अवश्य है। छोड़ दीजिए उस कायर मुगल को और हमारे साथ मिल जाइए, अपने राजपूतों के साथ मिल जाइए, और दिखा दीजिए उस कायर मुगल को कि राजपूत की मुट्ठी जब बंधती है तो सिंह चिंघाड़ने की जगह म्याऊं म्याऊं करने लगता है। कुछ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जो आनंद मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद है अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेना। यही राजपुताना धर्म भी है राजा सूरजमल जी। मिल जाइए हमारे साथ कि हम मिलजुल कर उन कायर मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ें जो हमारी संस्कृति को, हमारे स्नेह को, हमारे सम्मान को, हमारी भूमि को अपमानित कर रहे हैं। हमने आपको भरसक समझाने का प्रयास किया जयमल जी। ईश्वर आप और आपके मित्र कुंवर प्रताप की रक्षा करे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते।
अगर अकबर ने जयमल जी को अपने साथ मिला लिया तो हमारे सारे खतोत्साहित हो जाएंगे और ये स्थिति हमारे लिए कुछ नहीं होगा। सरदार जी, हम भली बातें जानते हैं अपने काका जयमल जी। आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं कल्ला जी क्योंकि वो आपके काकोसा हैं। खमा घणी, आप सब लोगों ने यकायक बात करना क्यों बंद कर दिया? बताइए ना क्या बात है। वह प्रताप, आप ही बोलिए। युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है और हमारी अनुपस्थिति में सुचारू सैन्य सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हम एक प्रमुख सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं जो हमारे संपूर्ण सैन्य अंग का प्रमुख बन जाए। बाजीराज, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भला आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? राजा जयमल, इनके अपार अनुभव के सामने हमारा उत्साह कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी सेना का प्रमुख सेनापति हम आपको क्षमा कीजिएगा कुंवर प्रताप जी, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो राजा जयमल जी से पूछ लेना चाहिए कि उनके और उस विभीषण टोडर मल के बीच में क्या बातचीत हुई है। अर्थात आप सभी को हमारी और सूरजमल जी की भेंट का ज्ञान हो चुका है, तो आपको इस बात का भी ज्ञान हो चुका होगा कि उस मुगल अकबर ने हमें कैसे कैसे प्रलोभन दिए अपने साथ मिला लेने के लिए। कुंवर प्रताप, ये जाने बिना कि सूरजमल जी से हमारी क्या बातचीत हुई, उन्होंने हमें क्यों और कैसे प्रलोभन दिए, आप हमें अपनी सेना का प्रमुख बना चुके हैं, इतना विश्वास? जयमल जी, सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से भी निकल आए, किंतु आप नहीं बिक सकते। क्योंकि आपके मन में हर क्षण देश के हित के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती। गर्व है हमें आप में, ये सब बातें छोड़िए। अब हमें युद्ध के लिए कमर कसनी होगी, क्योंकि कल के विस्फोट के बाद और आपके द्वारा उस मुगल के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब वो मुगल शांत नहीं बैठेगा। उस मुगल के हर एक आक्रमण के लिए हमें तैयार रहना होगा, पूर्ण रूप से तैयार। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। हुसैन कुली खान, नबी खान, गनी खान, हसन खान, हमला कर, चित्तौड़ के किले पर हमला कर, हम ये जंग जीतना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। जब तक हम इन राजपूतों की लाशें अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हम चैन से नहीं बैठे। हमने अपनी फराग दिली दिखाकर इन राजपूतों को आखिरी मौका दिया, और सूरजमल भी नाकामयाब होकर लौट रहा है। ये सबूत है इन राजपूतों की जिद का, बेवकूफी का। इन राजपूतों के पास न खाने को कुछ बचा है और ना ही हमारी फौज के साथ मुकाबला करने के लिए असलियत। फिर भी इनकी इतनी जुरत हमारे दोस्ती के पैगाम को ठुकरा, हम भी चुप नहीं बैठे, बदला लेंगे अपनी इस तौहीन का बदला।
सबात पर काम करने वाले सिपाहियों और मजदूरों की मौत का बदला ले। हम भी दिखा देंगे इन राजपूतों को कि मुगल सल्तनत के सामने सर उठाने वालों को कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसा ही होगा जहां पना पना। हम एक एक करके इन सभी को जहन्नम में भेज देंगे। हम जान की बाजी लगा देंगे जहां पना पर अब हम जीत करके ही वापस आएंगे। जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो। सभी धनुर्धर तैयार हो जाए। जोड़िया जी, जोड़िया जी, कल्ला आप दोनों दूर के चित्तौड़ी द्वार की ओर जाइए। जय एकलिंग जी, जयमल जी, जयमल जी, आप सूरत पोल की ओर और हाँ हाँ पत्ता को सामने कर जाइए। जय एकलिंग जी, हम किले की दीवार में आई दरार किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। अगर हम किले के अंदर नहीं पहुंच पाए तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। हमें किले की दीवार तोड़नी है, हर कीमत पर तोड़नी है। हमला, जलगार हो, सभी सतर्क रहेंगे, सभी सचेत रहेंगे सैनिकों। जलगार हो, मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है। संख्या चाहे कितनी भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मुगल हमारे पलंग बोर्ड की ओर द्वार तोड़कर दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे दीवार तोड़कर भीतर घुसने का भी प्रयास करेंगे। हमें उन्हें भीतर घुसने नहीं देना। किसी हाल में हमारे धरोहर उनका निशाना किले के दीवारों में आई हुई दरारों पर होना चाहिए। जैसे कोई मुगल घुसने के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, हमारे तीर उन्हें छलनी कर देंगे। साथी हाथी हाथी हमारी हार या जीत मुगल घुसपैठियों को कुचलने पे ही टिकी है। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। मुगल हमारी सीमा के अंदर आ चुका है। धर धर से कहें कि तीर चलाएं, उन्हें छलनी कर दें। तीर चलाओ, तीर चलाओ। तीर चला रहे हैं, अपनी अपनी बंदूकें संभालो और चलाओ गोलियां। चलो साथिये, चारों ओर से घेर लिया। सिपाहियों, किले की तलाशियों को और घुस जाओ इस किले में। मुगल हमारे निकट आ रहा है और तीर चलाइए। सभी धनुर्धर दीवार के पीछे छिपे हैं। कोई मुगल सैनिक तो उसके भीतर नहीं आ रहा। अब यहाँ रहकर मोर्चे को संभालता हूँ। हम दीवार में घुस रहे मुगल सैनिक को रोको, रोको। हमारा शत्रु संख्या में भले ही कितना ही अधिक क्यों ना हो, यदि हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु
अपनी अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे। तीर चलाओ। तुम मुगलों का इतना साहस कि तुमने हमारे पावन दुर्ग के भीतर अपने पांव रखे। दीवार और हम करेंगे चित्तौड़ के किले पर कब्जा।